मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ड्राइव टू डिस्कवर। टुडे इज 23rd of October और हम लोग गाजीपुर में ठहरे हैं और यहाँ से आज घर को चले जाएंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:25। चलो नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं गाजीपुर से। फिलहाल टाइम हो रहा है 10:26। यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है हमारे घर का वो 681 किलोमीटर है और दिखा रहा है जीपीएस की 139 को हम लोग पहुँचेंगे। लेट तो बहुत हो गया और करे क्या, कल रात को इतना लेट यहाँ पे घुसे। एक जगह लेट होने से एक के बाद एक सब लेट होता ही रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। यूपी के गाँवों के रास्तों पर ही टहल रहे हैं क्योंकि जीपीएस इतना घुमा रही है अभी तक निकाला नहीं हम लोगों को हाईवे तक। पता नहीं कब तक निकलेंगे हाईवे में। अभी फिर दिखा रही है 5.6 किलोमीटर के बाद राइट लेना है। कब नेशनल हाईवे आएगा फोर लेन, फिर 100 पे क्रूज पे लगा के बैठेंगे, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 12 बज गया है, हमारा भी, रास्ते का भी और सबका। 3 डाइवर्सन आ चुका है अभी तक। कब काम खत्म होगा, कब अच्छा रास्ता बनेगा। डाइवर्सन पे डाइवर्सन ऐसे कैसे चलेगा। रास्ता ठीक हुआ है पहले से, कभी कभी आ रहा है डाइवर्सन, लेकिन रास्ता भी ठीक है। 100 पे क्रूज लगा दिया हूँ, देखो कैसे क्रॉस कर रहा है। लग रहा है अपने गार्डन में टहल रहा है, ये फ़ोन पे बात कर रहा है और टहल रहा है। तो अभी टाइम दिखा रहा है 599 किलोमीटर अभी भी बाकी है और दिखा रहा है कि 134 तक पहुंचेंगे घर। हो सकता है ये थोड़ा सा जल्दी भी हो या देर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक जैम। और वहाँ से भी कोई रास्ता जा रहा है या बन रहा है नया कुछ लेफ्ट में। सामने अभी छोटा छोटा पहाड़ नज़र आ रहा है, झारखंड या बिहार का कोई पहाड़ होगा। और उस तरफ ऊपर एक मंदिर जैसा कुछ है। स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके थे तो यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी मैं थोड़ा नेक्सॉन चलाऊंगा और पापा एक्सयूवी चलाएंगे। ऐसा ही रोड है फोर लेन, उतना अच्छा नहीं है। मतलब इतना दिन से जो अच्छा अच्छा एक्सप्रेसवे पे चला है उसके मुकाबले ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है सही है, यही हमको घर ले जाएगा तो यहीं इसी में जाना पड़ेगा। नेक्सॉन का हालत बहुत ख़राब है, बहुत गंदा हो गया है। हमारा भी गंदा ही था, थोड़ा साफ कराया। अभी सामने फिर से पहाड़ नज़र आया है, थोड़ा रास्ता अभी सही हो गया है एकदम। और पहले थोड़ा कंजेस्टेड एरिया था, ज़्यादा आ रहा था, अभी वो भी थोड़ा घटा है, लेकिन कितना देर ऐसा चलेगा पता नहीं। अभी लंच करने के लिए आए हैं,
यहाँ पार्किंग की है और वहाँ पे पापा लगाए श्री परिवार। देखते हैं यहाँ से और भी 400 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बाकी है। आज भी बहुत रात होने वाला है पहुँचने में और यहाँ पे सनसेट हो रहा है अभी। और ये अंकल बांसुरी बजाए जा रहे हैं, बांसुरी नहीं विसल। चलो जाके देखते हैं क्या है खाना पीना। लंच तो हुआ नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। अभी 6:15 हो रहा है और यहाँ से दिखा रहा है और भी 9 घंटे का रास्ता हमारा घर तक। तो अभी 6:15 अगर हो रहा है तो 9 घंटे मतलब 3:15 को रात को घर पहुँचेंगे। मुझे पता है 3:15 में भी नहीं होगा, वो सुबह 4-5 बज जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये डिनर के लिए भी हो सकता है रुके, तो ये सब मिला के सुबह हो ही जाएगा। तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। यहाँ से 189 किलोमीटर्स बाकी है अपना घर एंड ETA दिखा रहा है 148 का, लेकिन नेक्सा थोड़ा पीछे रह गया है इसलिए अभी हम लोग थोड़ा रुक गए हैं दुर्गापुर। यहाँ से बहुत गाड़ियों का आवाज़ है दुर्गापुर, यहाँ से और 8 किलोमीटर है, तो उसके पहले हम लोग रुके हैं। नेक्सॉन वालों से फ़ोन में बात हुआ तो वो बोल रहे हैं वो लोग अभी तक आसानसोल पहुँचे नहीं है, आसानसोल से 8 किलोमीटर आगे है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं, उसके बाद एक साथ चलेंगे। हम लोग दुर्गापुर क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ से 165 किलोमीटर्स बाकी है। अभी ETA दिखा रहा है 29 का, पहले 148 हो गया था, तो टाइम तो थोड़ा बढ़ गया है 20 मिनट के आसपास। देखते हैं ये 20 मिनट कितना बढ़ता है या घटता है, कितना होता है, कब तक पहुँचते हैं आप लोगों को बताएँगे। और इस ट्रिप में अभी तक हम लोग का टोटल 7500 प्लस हो चुका है किलोमीटर्स, एस्टिमेटेड है कि 7700 के आसपास होगा। वो 8000 मैंने सोचा था पहले कि हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह हम लोग जा नहीं पाए ट्रिप पे, इसलिए वो 8000 नहीं हुआ, नहीं तो हो जाता। और अभी फ़िलहाल 10:17 टाइम हो रहा है और हम लोग का आज डिनर का उतना इच्छा है नहीं, मतलब पेट सभी का भरा हुआ है क्योंकि लंच किए थे शाम के टाइम, तो वहाँ पे ज़्यादा खाना हो गया था तो मन नहीं है। देखते हैं अगर घर में जाके भूख भूख लगता है तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा खा लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे, कल देखा जाएगा जो होगा। हम लोग 122 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ट्रक का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम लोग का स्पीड मतलब एवरेज जो स्पीड है वो घट जा रहा है। और ETA भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं घट रहा है पहले जैसे घट रहा था, अभी ETA 159 दिखा रहा है। तो देखते हैं, मतलब इतना ट्रक का ट्रैफिक अगर रहा तो मुश्किल है। सेकेंड हुगली टोल प्लाजा से और 13 किलोमीटर्स दूर है और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। कोलकाता में स्वागत हुआ बारिश के साथ, अच्छा है, लेकिन गाड़ी गंदा हो जाएगा। वैसे भी उतना साफ कुछ है नहीं गाड़ी। वी हैव रिटर्न टू द सिटी ऑफ जॉय एंड नाउ इट्स 1:08 AM। आज हम लोग टोटल 634 किलोमीटर्स अभी तक कवर किए हैं।
घर पहुँचते पहुँचते ये 650 के आसपास हो जाएगा। ये जो टोटल लद्दाख वाला ट्रिप था इसमें हम लोगों ने 7,740 किलोमीटर के आसपास कवर किए। इट वॉज़ अ सक्सेसफुल ट्रिप एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये वाला व्लॉग तो गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन सी दिस। चलो फिर से मिलते हैं अगले ट्रिप पे। टिल देन बाय।